नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम उम्मीदवारों से मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है श्रीरामपुर नगर पालिका के 29 नंबर वार्ड से पूर्व पार्षद एवं वर्तमान में निर्दल उम्मीदवार राजेश सिंह। राजेश सिंह जी, आपका हमारे दस्तक भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है। आप पिछले 10 साल से पार्षद रह चुके हैं, 2 साल आप वार्ड कोऑर्डिनेटर रहे। आपकी शुरुआत निर्दल से हुई थी, फिर आप निर्दल में आके क्यों अटक गए? ये तो नियति और समय का खेला है, परंतु जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू की, शुरू से ही मैं जनसेवा के लिए कार्य करता रहा। जनसेवा का कार्य करते करते जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने हमको इलेक्शन में भाग लेने का सलाह दिया, जिसके चलते मैंने 2010 में इलेक्शन में हिस्सा लिया और जनता के आशीर्वाद से जीत करके निर्दल के रूप में मैं आपको श्रीरामपुर पौरसभा पहुंचा। और उसी तरह 2015 में मेरे जो काम है उसको देख करके TMC पार्टी, जिस पार्टी में मैंने योगदान किया था, TMC पार्टी ने मुझे पुनः अपने पार्टी का टिकट दिया और मैंने फिर से जीत हासिल की। जनता का आशीर्वाद पाया, उनका स्नेह पाया और आज जब इस परिस्थिति आज की जब आ गई अम्फान और कोविड के बाद, तब से BJP में मैं ज्वाइन किया था। तो BJP से निश्चित तौर पर मुझे टिकट नहीं मिला, परंतु फिर मेरे जो सहयोगी लोग थे वो बोले कि हम लोग ने लोगों का काम किया है, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं और लोग हमको एक परिवार की तरह मानते हैं, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो वो अनाथ हो जाएंगे, इस तरह से उनका वर्णन था। तो बाध्य होकर के मैंने उनके बातों को माना और फिर से इस चुनावी रण में कूद पड़ा। खैर जो भी है, निर्दल से सफर शुरू हुआ, तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए, फिर भाजपा से आप वापस निर्दल में आए। आज आपकी रैली में भारी जन समर्थन देखने को मिला, तो क्या यह मान लिया जाए कि ये वोटर है? जी, आप देखे होंगे, आप अपने रिकॉर्ड किए होंगे, अगर कवर किए होंगे मेरी रैली को, तो इसमें एक भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आपको दिखा होगा। आप मैन टू मैन आइडेंटिफाई कीजिए, ये केवल एंड केवल 29 नंबर वार्ड की आदरणीय जनता थी, नवयुवक थे, महिलाएं थी, घर की बहू बेटियां थी, इसलिए हर तबके के लोग इसमें मेरी रैली में मजबूती से भाग लिए थे, अंश लिए थे और मुझे मजबूती के साथ हमको समर्थन किए थे। आप रैली को ही मत देखिए, रैली के बाद जो 27 तारीख को वोटिंग होगा, इस रैली का वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा आप उसको देखिए। आप पे आरोप लगते आ रहे हैं कि आपने पिछले 12 साल में वार्ड के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, आप जब चुनाव आता है तो नोट के बल पे वोट पा जाते हैं, ये कितना जायज है? नोट के वोट पाया जाता तो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते, न कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते। ये सब विरोधियों का एक क्या होते है उसको सगुफा है, वो क्या कहते हैं ना कहावत कि अगर अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, तो किसी तरह उनको तो अपना मुंह बचाना होता है। तो मेरे वार्ड के विरोधी जो 3 विरोधी प्रत्याशी हैं, तीनों का आप हिस्ट्री देख लीजिए। एक का जमानत जब्त करा दिया था मैंने जब पहली बार खड़ा था, 2843 वोट टोटल पोल हुआ था, वो भाजपा का प्रत्याशी जो आज का भाजपा का प्रत्याशी है वो 2843 में 10% भी वोट नहीं पा पाया, उसका 249 पर आकर के अटक गया, उसका जमानत जब्त हो गया। दूसरे प्रत्याशी थे तृणमूल का, उस समय हवा चल रहा था 2010 में, तब मैंने निर्दल खड़ा होकर के तृणमूल के काउंसलर को हराया और हराया ही नहीं, तीसरे नंबर पर हो गए और दूसरे नंबर पर जो आए वो स्वर्गीय विद्यापति सिंह की पत्नी थी, जो कि हमसे 9 वोट से पीछे थी और वो भी उनके साथ उनका जो पति का मर्डर हुआ था उस कारण उनके साथ संपत्ति थी। लेकिन ये संपत्ति का खेला तो सारा जीवन नहीं ना चलता है, जनता को तो काम चाहिए। आज आप सड़क पर निकलिए, रात के समय निकलिए, देखिए हर एक सड़क के किनारे आपको स्ट्रीट LED लाइट मिलेगी, सड़क के किनारे ड्रेन मिलेगा, पीने के लिए 2-2 डिप ट्यूबवेल लगवाए गए हैं, ओवरहेड टैंक बनवाया गया है,
जो आरओ फिल्टर वाटर गंगा से जो आएगा उसके लिए। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनवाया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, परंतु म्यूनिसिपैलिटी के कोऑर्डिनेशन के अभाव में वो एम्बुलेंस कई महीनों से बंद पड़ा है, वो रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं उसका जो एग्रीमेंट है, जिसके चलते वो एम्बुलेंस को यूज नहीं किया जा रहा है। तो सारी देखिए बेसिक इम्यूनिटीज हमारे वार्ड में पूरी हो चुकी है। ये सामने जो मेन रोड था आप देखे होंगे कि यहाँ पर आए दिन प्रत्येक साल ये लोग बना रहे थे, प्रत्येक साल टूटता था, एक्सीडेंट होता था, लोगों के प्राण तक चले जाते थे। परंतु मैंने जब काउंसलर का शपथ लिया तो उसके साथ साथ एक और शपथ लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे अपने पार्टी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, लेकिन इस सड़क का और इस ड्रेन का निजात परमानेंटली निजात भी दिलवाऊंगा। तो दिलवाया 2011 में, और आज भी ये सड़क मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज भी 10 साल चलेगी, 11 साल से चल रही है जैसे कि तैसे है, और भी 10-11 साल चलेगी। ये एकदम कंक्रीट की ढलाई की सड़क है, समझे ना। तो विकास का कार्य ऐसे ही दिन पर दिन चलता रहेगा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, थोड़ी छोटी 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 छोटी, उसको हम लोग समय समय पर पूरा करते रहेंगे। आरोप है कि 29 नंबर वार्ड में कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है, और जो स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है उसको आप सालों भर रिपेयर नहीं कराते हैं, ठीक नहीं कराते हैं, इस पर क्या कहेंगे। देखिए ये सारी परिसेवाएं श्रीरामपुर पौरसभा के सहयोग से ही पूरी हो पाती है। जब से मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा, भाजपा ज्वाइन किया, तब से तृणमूल के जितने भी चेयरमैन और पार्षदगण थे वो हमारे वार्ड में घूम घूम करके 18-18 पार्षद, दो दो चेयरमैन गली गली में घूमे, और घूम करके उस समय बोले थे कि हम 29 नंबर वार्ड को स्वर्ग बना देंगे, उनके लोगों को जनता समर्थन करे। लेकिन आज 2 साल बीत गया, 2 साल के बीच में वो लोग तो स्वर्ग का स्वर्ग नरक बना करके रख दे रहे हैं। हमको स्वीपर का जो होता है कि एक वार्ड में 5 या 6 स्वीपर काम करना चाहिए, उनको अलर्टमेंट करना चाहिए, 10 स्वीपर अलर्टमेंट, वो तक नहीं देते हैं ये लोग, ये कुछ सहयोग नहीं करना चाहते हैं। हाउसिंग में जो वोटर्स है उनको वोटर्स फ्लैट ऑनर्स है वो टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बावजूद अगर उनसे कोई परिसेवा मांगने जाता है श्रीरामपुर म्यूनसिपैलिटी में, श्रीरामपुर म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, हम लोग काम नहीं करेंगे अंदर। तो जब अगर मेरा कहना यही है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप टैक्स कैसे ले सकते हो, आप टैक्स मत लो, फिर हम लोग उस टैक्स के कलेक्शन के माध्यम से मेंटेनेंस करेंगे। तो आप टैक्स भी लोगे और उसमें सरकारी म्यूनसिपल परिसेवा भी नहीं दोगे, तो ये तो सीधा सीधी वंचना हुआ है। और पार्टी में जब तक रहे हम तब तक हमको मुख भी नहीं खोलने दिया जाता था कि ना पार्टी के विरुद्ध बोलते पारवे ना अपनी, इसीलिए मैंने समय समय पर आवाज़ उठाया। और ऐसा है 2011 में एक आवाज़ उठाई थी मैंने, देखे होंगे आपको याद होगा कि ये जो मेन सड़क है इस सड़क को बनाने के लिए मैंने 3 दिन तक चक्का जाम किया था, तब 4th दिन DM के हस्तक्षेप से ये सड़क का जो समस्या है वो मिटा और एक बात बनी कि सड़क को कंक्रीट ढलाई किया जाएगा, बढ़िया से बनाया जाएगा। आज उस आंदोलन के चलते इस पूरे बस्ती के 3-4 वार्ड इस सड़क के बनने से बेनिफिट में हैं। हालांकि कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, ये तो ऑलरेडी हमने DPR दे दिया है गवर्नमेंट को, वो पश्चिम बंगाल सरकार के पास जब भी गवर्नमेंट का फंड आएगा उस DPR के अनुसार वो लोग फंड देंगे और काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इससे भी बड़ी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सब तो सामाजिक कार्य हैं, परंतु मेरा वार्ड एक स्लम एरिया वार्ड है, गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं मेरे वार्ड में। 7,891 मतदाता हैं, 16,000 के लगभग हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, बहुत गरीब ऐसे रिक्शा ठेला चलाने वाले भी व्यक्ति हैं जिनकी बेटियों की शादी जब होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे उनकी शादी ब्याह करे। तो जिस तरह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रकल्प चलाया
रूपोश्री प्रकल्प, उसके तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है जिस बच्ची का विवाह होगा उसको। तो उस 25,000 रुपया को लेने के लिए उस बच्ची को और उसके परिवार को इतने पेपर वर्क करने पड़ते हैं कि बहुत सारी बच्चियां उस पेपर वर्क को पूरा नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते वंचित हो जाती है। तो मेरा ये एक प्रोग्राम है आने वाले दिनों में कि अगर मैं तीसरी बार चुन करके आया पार्षद के तौर पर 29 नंबर वार्ड में, तो रूपोश्री के तर्ज पर 29 नंबर वार्ड की गरीब और साधारण बच्चियों के विवाह के लिए प्रति विवाह 5,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाएगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी तबके को हो, बिना जात पात रंग बंद देखे हम लोग ये काउंसिलरशिप प्रकल्प हम लोग चालू करने वाले हैं आगामी दिनों में। और एक और प्रकल्प है जो कि हम आप लोग को बताएंगे आने वाले समय में, तो अभी तक हमारा ये प्रकल्प आप मान के चलिए। आपने कुछ लोग कहते हैं कि आपने वादा किया था कि हम वार्ड में सब जगह सीसीटीवी लगाएंगे, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अब्दुल मन्नान और कांग्रेस का ये जो अभी वार्ड कमिश्नर में प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो इसकी मेन वजह है। अब्दुल मन्नान जी से जब हमने संपर्क किया था 2015 का, जब चुनाव उन्होंने जीता था, जो 16 का चुनाव जीता था, तो हमारे वार्ड से हमने उनको एक प्रस्ताव भेजा था कि हमारे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगवाना है। उसमें 40 सीसीटीवी कैमरा था, ठीक है, और 40 सीसीटीवी कैमरे के लिए वो तैयार हो गए थे कि आप पे कोटेशन भेजिए, हम इसको एमएलए लॉट से मुहैया करवाएंगे क्लब के माध्यम से। तो जब उनके यहाँ ये प्रपोजल गया, तो हमारे वार्ड के जो तथाकथित उम्मीदवार हैं, इन्होंने एक ऐसा वहाँ पर बैकडोर षड्यंत्र रचा कि ये काम अगर हो जाएगा तो राजेश सिंह के मैनिफेस्टो में ये चीज़ था, मैनिफेस्टो पूरा हो जाएगा तो जनता के सामने राजेश सिंह हीरो हो जाएंगे। इसीलिए राजेश सिंह को कैसे भी दबाने के लिए ये जो फंड आने वाला था एमएलए के तरफ से, वो फंड उन्होंने अटकवा दिया, और पूरे अब्दुल मन्नान जी ने इस वार्ड के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया, एक पैसा नहीं खर्च किया अपने एमएलए लाट से उसके बाद, और सारा उनका कार्यकाल यूं ही कोरा का कोरा ही रह गया। ये कारण है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लग पाया। आरोप है कि 5 साल में आप चुनिंदा दिन लोगों से मिलते हैं, बाकी समय वार्ड की जनता से मिलते नहीं हैं, उनके काम के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं। सही कहा, चुनिंदा दिन चुनिंदा समय मैं प्रत्येक लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि देखिए ऑफिस का टाइम ऑफिस में देता हूँ, घर का टाइम घर में भी मैं लोगों से मिलता हूँ। मेरे यहाँ मेरे वार्ड में दो वार्ड ऑफिस है, एक सुभाष नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है और एक इस हिंदी स्कूल के पास में है, और मेरा घर है। मैं तीनों जगह से काम करता हूँ। लोगों को ये नहीं होना चाहिए, लोग अगर घर पर चले आए तो घर पर भी काम कर देता हूँ, अगर ऑफिस में भी मिल जाते हैं तो ऑफिस में भी काम करता हूँ। भगवान भी अगर खुश नहीं कर पाया किसी को, तो मैं अपने विरोधियों को कैसे खुश कर पाऊंगा? लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आप इस बार ना तो आपके पास तृणमूल से टिकट है, ना भाजपा से टिकट है, और आपने निर्दल उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? ये चुनौती तो उन लोगों के लिए होती है जो डर करके बैठ जाते हैं, हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हुए हैं, मैंने ऑलरेडी दो दो बार इनको हरा दिया है। मैं जीत का हैट्रिक लगाने जा रहा हूँ और वो लोग हार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, फर्क साफ है। तो इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है पार्टी कोई मायने नहीं है, लोगों ब्रांड कोई मायने नहीं है, आप जहाँ खड़ा होंगे वहीं जीत होगी? जी, ये तो जनता ने मुझे ब्रांड बना दिया है। ब्रांड राजेश सिंह कुछ नहीं था 10 साल पहले, ब्रांड राजेश सिंह केवल जनता के आशीर्वाद से आज संभव हुआ है।
जनता ने मुझे पहली बार निर्दलीय चुना, दूसरी बार टीएमसी से चुना, तीसरी बार फिर निर्दल से चुनेगी। ये तो जनता का स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। पार्टी का सिंबल उनके लिए जरूरत पड़ता है जो खुद कुछ नहीं कर पाते, जिनकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं होती है, उनको लाठी का सहारा चाहिए। मैं बीजेपी में जितने दिन गया, बीजेपी मेरे लाठी के सहारे पर श्रीरामपुर में खड़ी हुई थी, ठीक है। और जितने दिन मैं टीएमसी में गया, टीएमसी के भी नेता जानते हैं कि मेरा क्या कद था। मैंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वार्ड की भलाई के लिए मुझे अगर किसी के सामने सर झुकाना पड़े तो मैं जरूर झुकाऊंगा। अगर तीसरी बार आपको जनता यहां से श्रीरामपुर नगर पालिका के 29 नंबर वार्ड की जनता आपको अपना फिर से एक बार जनप्रतिनिधि बनाती है तो फिर क्या आप तृणमूल की शरण में जाएंगे? देखिए, तृणमूल के शरण में जाना और बीजेपी के शरण में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं निर्दल होकर के जिस तरह से काम कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पार्टी का होकर के काम कर सकता हूँ। मेरे वार्ड की भलाई के लिए जो भी मेरा सहयोग करेगा, मैं भी मुद्दों के आधार पर उनका सहयोग करूंगा। अगर मेरे वार्ड के भलाई के लिए कोई काम नहीं करेगा तो उसका जवाब सड़क पर उतर करके मैं दूंगा। देखिए, मेरा तो ड्रीम ये था कि मेरे वार्ड के जितने भी वृद्ध माता बहने हैं सबका पेंशन हो जाए। बहुत गरीब वार्ड है मेरा, सबका अगर पेंशन हो जाता है तो उन लोगों को एक सहारा मिल जाता है। जितनी गरीब महिलाएं हैं उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाए, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि एक बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल और क्रिकेट का मैं मैदान बना सकूं। चिल्ड्रन पार्क मैंने किया है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन आज के युग में शरीर को ठीक रखने के लिए नौजवान पीढ़ी जो कि मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, इससे ध्यान मैदान की तरफ उनको खींचने के लिए हमको एक खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ सेंटर मैंने ऑलरेडी DPR जमा कर दिया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा हो चुका है। लैंड आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है, जिस दिन लैंड आइडेंटिफाइड हो जाएगा उस दिन ही काम लग जाएगा, टेंडर हो जाएगा, काम लगेगा, तो इसमें कोई विधा नहीं है। ओवरहेड पानी का टंकी बन गया है वार्ड में, जिससे गंगा का जो फिल्टर पानी है वो ओवरहेड टैंक में आएगा और वो पाइप के सहारे पूरे वार्ड के लोगों को RO का पाइप पानी मिलेगा। तो बेसिक एमिनिटी तो यही है, लाइट, पानी और निकासी व्यवस्था, साफ सफाई, तो ये सारी चीजें कर दी है मैंने वार्ड के लिए। अब हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसा चीज है कि ये जो ड्रेन है, ड्रेन में कभी कभी कुछ पकड़े के अवरोध हो जाने के कारण पानी अटक जाता है, अटक कर जाने के कारण पानी निकलने में असुविधा होता है। इस चीजों को थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेना है बस, और कोई बड़ी समस्या हमारे वार्ड में नहीं है। आप मेरे वार्ड का पूरा चक्कर लगा के देखिए, कहीं अगर एक भी कच्चा रास्ता मिल जाएगा तो मैं कल बैठ जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक भी कच्चा रास्ता अगर मेन रास्ता मिल गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपसे मैं वादा करता हूं। उन्नयन किया है, लाइट लगाया है, सारी चीजें तो मैंने की है, तो मैं इस चीजों को लेकर के जनता के पास जा रहा हूं और जनता निश्चित रूप से दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद कर रही है और सहयोग भी दे रही है, जिसका नजारा आपने देखा। आप अपनी जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ होने का कोई बात ही नहीं है, जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता हमेशा हमको आशीर्वाद देती रही है। 27 तारीख को आप देख लीजिएगा, वोट के रूप में भी हमको आशीर्वाद देगी और 2 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा कि कितने परसेंट हम आशावाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ थे 29 नंबर वार्ड के निर्दल उम्मीदवार राजेश सिंह जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि तीसरी बार जीत के जब आएंगे तो वो सबसे पहला काम करेंगे कि 5,000 रुपया बच्चों के शादी के लिए और 2,000 रुपया दाह संस्कार के लिए वो अपने तरफ से ये योजना लागू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ थे राजेश सिंह जी, और अगले इसी तरह के कार्यक्रम में, उम्मीदवारों से मुलाकात में,
आपको फिर किसी अन्य उम्मीदवार से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए दस्तक भारत।